हेलो एवरीवन, मैं अजीत चौहान विक्रमादित्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। इंडिया के वो सब जो सुपर है, फर्स्ट हैं, माने लंबे हैं, चौड़े हैं, हाइएस्ट हैं, उन सब पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा हुआ है वो है द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज मतलब क्या है कि रिवर पर सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है, तो वो है कौन सा, महात्मा गांधी सेतु। लोकेशन भी है कहां पर, पटना। पटना किसकी कैपिटल है, बिहार। स्टेट भी पूछा जाता है कि जो हमारा इंडिया का सबसे लंबा रिवर ब्रिज है, मतलब कि नदी पर, जैसे ये सपोज करो नदी है और इस सर ये जो क्या है ब्रिज, ठीक है, इस पर ये जो ब्रिज है कौन सा है, ये महात्मा गांधी सेतु ब्रिज है, पटना में। कहां पर है, पटना में है। सेकंड देखिए, द लॉन्गेस्ट एनिमल फेयर। फेयर का मतलब होता है मेला, कि हमारा सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा जो फेयर मेला लगता है, एनिमल पशुओं का जो मेला लगता है वो कहां पर लगता है, तो वो जो लगता है वो लगता है श्री सनमुखंदन हॉल मुंबई। नहीं सॉरी, ये सोनपुर, ये तो है वो ऑडिटोरियम सोनपुर बिहार, सॉरी भाई सॉरी, जब भी मैं सोच रहा था कि ऑडिटोरियम था, ये बिहार के अंदर सोनपुर बिहार में एक जगह है जहां पर हमारा सबसे लॉन्गेस्ट फेयर एनिमल लगता है, है? एनिमल फेयर लगता कहां पर, सोनपुर बिहार में। और बिहार किस कैपिटल है, बिहार की कैपिटल क्या है, पटना है, ठीक है। उसके बाद द लॉन्गेस्ट ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का क्या होता है, जहां हमारी सभा होती है, ठीक है, वो होता है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम श्री सनमुखंदन हॉल हमारा मुंबई में है। ऑडिटोरियम सबसे बड़ा ऑडिटोरियम कौन सा है, श्री सनमुखंदन हॉल मुंबई में है। द लॉन्गेस्ट लेक, लेक होती है हमारी झील, क्या होती है, झील। तो सबसे लंबी जो झील है हमारी वो कौन सी है, वो है हमारी बुलर लेक जम्मू कश्मीर में। ये फ्रेश वाटर लेक भी याद रखना, फ्रेश फ्रेश वाटर लेक वुलर जम्मू कश्मीर में। पहले जम्मू कश्मीर क्या था, एक स्टेट था, लेकिन अब क्या है, यूनियन टेरिटरी है, और इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से दो हिस्सों में, एक को लद्दाख और एक को जम्मू कश्मीर, और दोनों को राज्य ना बना करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ये आपको याद रखना है। लॉन्गेस्ट डैम, देखो डैम क्या होती है, डैम होती है बांध। जैसे सपोज करो ये नदी आ रही है, यहां पर अगर हमें इसके पानी को यहां इधर वाले रोकना है तो हम यहां पर बनाएंगे डैम। अब डैम से दो क्वेश्चन आते हैं, एक हाईएस्ट डैम, एक लॉन्गेस्ट डैम। तो यहां क्या पूछिए हमें, लॉन्गेस्ट डैम सबसे लंबी। दूसरा डैम से क्वेश्चन आएगा हाईएस्ट, कि सबसे ऊंचाई पर, इस पर सबसे ऊंचाई पर जो डैम बनी है वो कौन सी है, सबसे लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी जो बनी हो कौन सी है, वो है भागड़ा डैम, हमारी सतलुज रिवर पर है, ये भी याद रखना है। कौन सी, भागड़ा जो डैम हमारी वो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, और कौन सी रिवर पर है, सतलुज रिवर पर है, और जो सतलुज रिवर या भागड़ा जो डैम है वो कौन से हमारे स्टेट में है, वो है पंजाब स्टेट में। कौन से में, पंजाब स्टेट में, याद रखना पंजाब, भागड़ा डैम सतलुज रिवर पंजाब में। इसके बाद देखिए द लॉन्गेस्ट डेजर्ट। डेजर्ट क्या होते हैं हमारे, मरुस्थल, ठीक है। अब सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट जो डेजर्ट इंडिया का है वो कौन सा है, वो थार डेजर्ट है, और हमारे इंडिया के कौन से स्टेट में, राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर है, और जयपुर राजस्थान सबसे एरिया में हमारा सबसे बड़ा स्टेट भी है, ठीक है, याद रखना है हमें। इसके बाद देखिए द लॉन्गेस्ट केव टेम्पल, केव होता गुफा, गुफा के अंदर सबसे लार्जेस्ट जो हमारा टेम्पल है वो कौन सा है, तो वो हमारा है कैलाश टेम्पल, और कहां पर है, एलोरा, और एलोरा की जो केव है वो हमारे भारत के किस राज्य में है, तो वो है महाराष्ट्र में। किसमें, महाराष्ट्र में, भारत के महाराष्ट्र में ये कैलाश टेम्पल और केव एलोरा गुफा है, याद रखना, एलोरा केव या एलोरा गुफा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। द लार्जेस्ट केव टेम्पल मतलब केव के गुफा के अंदर सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है, याद रखना वो कैलाश टेम्पल है एलोरा महाराष्ट्र के अंदर। वापस सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, द लॉन्गेस्ट डेजर्ट, मैंने मरुस्थल बताया था, थार डेजर्ट राजस्थान के अंदर है, कहां पर है ये, राजस्थान के अंदर है ये, याद रखना किसके अंदर, राजस्थान के अंदर है ये। द लार्जेस्ट जू,
माने हमारे होते चिड़ियाघर। अब इंडिया का सबसे जो लार्जेस्ट जू है वो कौन सा है, वो है जूलॉजिकल गार्डन। अब ये है कहां पर, कोलकाता। और कोलकाता हमारे कौन से स्टेट में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। कोलकाता किस स्टेट का कैपिटल है, वेस्ट बंगाल की। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रखनी है एक एक करके। जूलॉजिकल गार्डन कहां पर है, कलकत्ता में है। और ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा जू है। द लार्जेस्ट मॉस्क्यू माने मस्जिद, जो हमारे मुस्लिम समुदाय, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके जो पूजा का जो स्थान है, वो जो करते हैं वो कहां पर करते हैं, वो करते हैं मॉस्क्यू में। और वो कौन सी है, जामा मस्जिद। कहां पर है ये, दिल्ली में है ये। उसके बाद देखिए, याद रखना, द हाईएस्ट पीक कौन सी हमारी, गॉडविन ऑस्टिन K2। ठीक है, ये हमारी इंडिया की है। और जो माउंट एवरेस्ट है वो वर्ल्ड की है। लेकिन अगर हिमालयन रेंज में सबसे हाईएस्ट इंडिया की जो पूछी जाएगी वो कौन सी आएगी, कंचनजंगा। कहां पर है, जो सिक्किम में है, याद रखना ये। तो इस तरीका से आज हमने कुछ स्पेशल सुपरलेटिव ऑफ इंडिया के बारे में बात की थी, जिसमें हमने सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज की बात करी है, लॉन्गेस्ट एनुअल फेयर की बात करी है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट ऑडिटोरियम की बात करी है, लॉन्गेस्ट लेक की बात करी है, लॉन्गेस्ट डैम, लॉन्गेस्ट डेजर्ट, लॉन्गेस्ट केव टेम्पल, लॉन्गेस्ट डेजर्ट और लार्जेस्ट जू, फिर लार्जेस्ट मॉस्क्यू और हाईएस्ट पीक। इस तरह के ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट सुपरलेटिव थे। और आज की वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका 2 पार्ट लेके आएंगे, उसमें आपको और बहुत सारे सुपरलेटिव भी कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।